तो यार फाइनली वन पीस चैप्टर 119 के ब्रीफ स्पॉइलर आ चुके हैं और भाई इन स्पॉइलर्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये सच में ब्रीफ हैं। और यार स्पॉइलर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर अपन बात करें पिछले चैप्टर की, तो यार हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि यार लूफी तो नीका बन चुका था, साथ ही साथ बोनी, मेरा मतलब ये छोटी सी बोनी, ये भी नीका बन चुकी थी। और भाई इन दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सीधा चैप्टर एंड हो गया था और इसी कंटिन्यूएशन में स्पॉइलर्स भी आ चुके हैं। और यार लूफी और बोनी की शक्तियां देख देख के भाई जायंट्स भी खुशियां मना रहे होते हैं कि यार अब तो हम बच जाएंगे एगेड आइलैंड से। लेकिन जो मार्स होता है वो एक बोल्ड स्टेटमेंट देता है, वो बोलता है कि यार जो बोनी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक फेक ट्रांसफॉर्मेशन है। और यार जहां पिछले चैप्टर के बाद वन पीस कम्युनिटी में विवाद चालू हो गया था कि यार बोनी को इतनी पावर्स नहीं मिलनी चाहिए थी, इस चैप्टर के बाद थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिल गया होगा लोगों को। और जहां हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि यार लूफी कितने अटैक कर ले गोरसेस को, चाहे वो भाई बलून मार ले, कुछ भी मार ले, भाई उन लोगों को डैमेज तो होता था लेकिन यार वो तुरंत ही तुरंत रिकवर कर जाते थे। और ये सेम बात लूफी दूसरों को भी बताता है कि यार हमें इनको अटैक नहीं करना है क्योंकि ये तुरंत ही रिकवर कर जाएंगे, हम ऐसा करते हैं कि इन लोगों को एगेट से भगा देते हैं। अब यार स्ट्रॉहैट्स की ये तक नौबत आ गई है कि यार अब वो लोग लूफी के प्लान्स मानने वाले हैं। तो यार फिर क्या था, सांजी, फ्रेंकी और बोनी, हाँ वही बोनी निकी वाली, ये चारों एक कंबाइंड अटैक करते हैं और मार्स जो कि ऑलरेडी हवा में उड़ रहा होता है भाई उसको और हवा में उड़ा देते हैं, सेम बिल्कुल टीम रॉकेट की तरह। पोकेमोन तो देखा ही होगा, अब ये मत कहना पोकेमोन भी नहीं देखा है। और जो नीका और नीक मतलब जो बोनी का ऑरा देख के मतलब सेंस करके जो एंशिएंट रोबोट पानी में डूब रहा होता है ना वो भी जाग जाता है। और जैसे एंशिएंट रोबोट जागता है हमारी डेंडेनमुशी मतलब सबकी डेंडेनमुशी भी जाग जाती है और ब्रॉडकास्ट फिर से कंटिन्यू हो जाता है। और इसी के साथ जो ब्रॉडकास्ट की बातें होती है मतलब जो वेगापंक मैसेज बोल रहा होता है वो बोलता है कि यार जो चीज इनहेरिट होती है उसको हम विल कहते हैं और जो चीज एक दूसरे को पास डाउन भी की जा सकती है। और यार इसके बाद रिएक्शंस में आ चुके हैं बिग मॉम पायरेट्स, वीवी और मॉर्गन। और यार रिएक्शंस की बात करें तो यार सबसे ज्यादा रिएक्शन में जिसने कैमियो किया है वो है हमारे वीवी और मॉर्गन साहब। और बैक टू लूफीज अटैक, जहां हमने देखा था कि यार ये चारों ने मार्स को तोड़ा दिया है, गो कबूतर गो। और फिर इसके बाद लूफी अचानक से जुपिटर को अटैक कर देता है और जैसे ही लूफी जुपिटर को अटैक करता है और साइमल्टेनियसली वर्कुरी एल्वाफ की शिप पर अटैक कर देता है और जो बोनी होती है वो नीकी से फिर से बोनी बन जाती है। अब यार वो एक तरह से नीका वाले फॉर्म से एग्जॉस्ट हो चुकी है। और यार फाइनली हमें वॉइड सेंचुरी का फ्लैशबैक मिल चुका है जहां पर जो जॉय बॉय होता है वो यार एंशिएंट रोबोट से कुछ बोल रहा होता है और हमें एंशिएंट रोबोट का नाम भी रिवील हो चुका है जिसका नाम है एमएथ, ये है भाई देख लेना। और जॉय बॉय हमारे रोबोट भाई से बोल रहा होता है व्हेन द टाइम अराइज यू मस्ट, और इसी के साथ ये फ्लैशबैक कट हो जाता है। और जैसे ही फ्लैशबैक कट होता है हमें एंशिएंट रोबोट दिखाया जाता है जो कि यार सीधे समुद्र में से निकल के वेरकुरी भाई पे अटैक कर देता है। और जैसे ही रोबोट वेरकुरी पे अटैक करता है लूफी चिल्ला के बोलता है रोबोट, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और यार बात करें यार इस चैप्टर की तो यार सबसे अच्छी चीज तो ये है कि यार बोनी को इतना बड़ा भी पावर ऑफ नहीं मिला है जितना यार फैंडम में वॉर हो गई थी। और दूसरी बात करें यार जॉय बॉय के फ्लैशबैक की तो यार हमें रोबोट का नाम भी रिवील हो गया है, अब वो नाम ये है देख लेना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार वेगापंक का मैसेज का ब्रॉडकास्ट दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। तो यही था इस हफ्ते का चैप्टर और अगले हफ्ते ब्रेक होने वाला है, तो यार आपने अभी तक तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए अरिगातो।